हाँ, मैंने भी देखा, कोई हमारी गाड़ी के आगे से गुजरा है सफेद साड़ी में। लगता है कोई वह मनुष्य थी। चलो उसे ढूंढते हैं, वह कौन है। चलो तो देखते हैं। नीचे उतरकर मैं और मेरे दोस्त अपने गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उतरकर उस औरत को ढूंढते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक देखा था। चलिए अब कहानी को आगे देखते हैं। तो फिर हीरा और मोती दोनों दोस्त उस सफेद साड़ी में लिपटी औरत को ढूंढने के लिए जाते हैं। जाते जाते काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन पर उन्हें कोई भी वहां पर उस जंगल में कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। और वह जंगल बहुत ही सुनसान था। वे दोनों मित्र और कुछ दूर जा रहे थे और कुछ दूर जाने पर उन्हें फिर भी कोई नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए। तो फिर हीरा और मोती अपने गाड़ी की तरफ जाने लगे। और वह अपने गाड़ी पर बैठकर वह चालू कर जाने लगे घर। दोनों दोस्त हीरा और मोती अब वह दोनों अपने घर पहुंचने ही वाले थे। दोनों को अपने घर जाने में कम तो आधा घंटा का वक्त लगता। वे गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जा रहे थे। जाते जाते अचानक बीच में उनकी गाड़ी के ऊपर से काफी चिड़िया उड़कर जाने लगे। तो हीरा ने तुरंत अपनी गाड़ी को रोक दिया और मोती से बोला कि अरे यार, यहाँ पर तो 2 मिनट पहले एक भी कुछ नहीं था, एकदम पूरा सुना जंगल था, लेकिन तुरंत इतनी सारी चिड़िया कहाँ से आ गई। लगता है कुछ जरूर गड़बड़ होने वाला है। तो मोती भी बोलता है अरे हाँ यार, यहाँ पर तो 2 मिनट पहले कुछ भी नहीं था, एकदम सुना साना था, इतना जल्दी इतना सारा चिड़िया कहाँ से आ सकती है, कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। तो मोती बोलता है तुरंत कि यहाँ हमें रुकना अच्छा नहीं है, हमें जितना जल्दी यहाँ से निकल सकते हो निकलो। और दोनों यह कहते ही हीरा बहुत तेजी से गाड़ी लेकर भागता है वहाँ से। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।